एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। किसान संगठनों द्वारा दिल्ली की बॉर्डर पर दिए जा रहे धरना प्रदर्शन को अब 100 दिन हो रहे हैं। बड़े ही धीरज और दृढ़ निश्चय से किसान अपनी बात को रख रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार एमएसपी का कानून बनाए और 3 नए कृषि संबंधित कानून वापस ले। आपको बता दें कि दिल्ली की बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है, लेकिन अब किसान संगठन लोगों में जा रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में कृषि से जुड़े हुए लोग और उनके परिवार के सदस्य इन कार्यक्रमों में शामिल होते दिखाई देते हैं। बीते 3 मार्च को हरियाणा के गांव प्याऊ माजरा में किसान मजदूरों की एक महापंचायत हुई। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस महापंचायत में बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव मूल्यवासी सुरेश द्रविड़ ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस देश का बहुजन समाज ही किसान है और बहुजन समाज ओबीसी एससी एसटी है। बहुजन समाज में किसान मजदूर और कर्मचारी है, इनकी एकता पर उन्होंने बल दिया। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। किसान संगठनों द्वारा दिल्ली की बॉर्डर पर दिए जा रहे धरना प्रदर्शन को अब 100 दिन हो रहे हैं। देश भर के करीब 500 किसान संगठनों के किसान कार्यकर्ता बड़े ही धीरज और दृढ़ निश्चय से धरने पर डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी का कानून बनाए और 3 नए कृषि संबंधित कानून वापस ले। आपको बता दें कि देश भर से विभिन्न किसान संगठन अब इस किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, जगह जगह अपने अपने तरीके से कार्यक्रम भी ले रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि बामसेफ के सभी ऑफशूट विंग्स ने पिछले वर्ष से ही यह मुद्दा उठाया था और सरकार को यह निवेदन भी दिया है कि 3 नए कृषि कानूनों से कृषि से जुड़े किसान और मजदूरों का भविष्य खतरे में है, इसलिए इन्हें रद्द करें और सरकार एमएसपी का कानून बना दे तथा नई कृषि नीति के लिए नए सिरे से पहल होनी चाहिए। बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुरेश द्रविड़ ने इस बारे में पहल करके किसान आंदोलन के नेताओं के साथ बातचीत की। सर चौधरी छोटू राम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के बारे में अब खुलकर बात होने की आवश्यकता है। किसान संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों में सुरेश द्रविड़ इनको आमंत्रित किया गया। 3 मार्च 2021 को हिसार जिले के गांव प्याऊ माजरा में स्थानीय किसानों ने एक बड़ी महापंचायत बुलाई। मीडिया के अनुसार वहां करीब 20,000 लोग उपस्थित थे। इस महापंचायत में सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर संत किसान मोर्चा के सदस्य अभिमन्यु कोहाड़ तथा विकास सिंसर भी मौजूद थे। मुख्य वक्ता के तौर पर बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुरेश द्रविड़ ने महापंचायत को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर एकता से ही आंदोलन सफल होगा। इस वक्त बड़ी गर्मजोशी से मूलवासी सुरेश द्रविड़ का स्वागत किया गया। किसानों ने उन्हें पगड़ी पहनाई और फूल मालाओं से स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ मंच पर ले जाया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सत्रोल खाप के प्रधान रामनिवास लोहान ने की। सम्मेलन के विधायक सोमवीर सांगवान, पूर्व विधायक राम भगत, प्रोफेसर दलवीर सिंह मुख्य सलाहकार सत्रोल खाप, राम राठी चौबीसी महम प्रधान, सतीश पुटी भूतपूर्व चेयरमैन, सांगवान खाप प्रधान, सोमवीर रवि आजाद, अक्षित नरवाल खेत मजदूर यूनियन से, राम अवतार सुलचानी एडवोकेट रघुवीर सिंह हिसार से, वरिष्ठ नेता सुभाष जांगड़ा, मूल्यवासी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम मांडी विश्वकर्मा, नारनौंद नगर पालिका के वाइस चेयरमैन विनोद वाल्मीकि, सतीश माजरा, कृष्ण माजरा, माजरा गांव के सरपंच रामकेश, बलवान सुंडा, पूर्व पार्षद मनोज राठी आदि भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि हरियाणा से पिछड़े वर्ग के कर्मचारी कैथल में 21 मार्च को किसान आंदोलन का समर्थन करने हेतु संगठित होंगे। बहुजन महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसमें कृषि संबंधित 3 कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को वापस करने के लिए आवाज उठाया जाएगा। यूपीएससी द्वारा शुरू की गई लेटरल एंट्री का भी विरोध किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हमें एमएनटी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब और फेसबुक पर सब्सक्राइब और लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आपने हमें सब्सक्राइब किया है तो कृपया बेल आइकॉन को भी ऑन करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान।